हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले टीवीएफ की वेब सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन देख का पहला एपिसोड देख के खत्म करा है, जिसका नाम है सपने वर्सेस जिम्मेदारी। और सच बताऊं यार, ये एपिसोड काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग था। मतलब सच में कुछ पॉइंट्स पे सच में बहुत ज्यादा इमोशनल करने में कामयाब रहता है। आपको फील होता है अगर आपके भी कुछ सपने रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या फिर आप वो काम नहीं कर रहे हो जो आपका करने का मन है, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जिनके कारण आपको वो काम करने पड़ रहे हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा करते हो तो डेफिनेटली ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा हिट करने वाला है। डेफिनेटली पूरी सीरीज अभी तक रिलीज नहीं हुई, इसी कारण से पूरी सीरीज की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस एपिसोड की बात डेफिनेटली कर सकता हूँ। कहानी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बात करने वाला हूँ, स्क्रीन प्ले के बारे में भी मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करने वाला हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का मजा खराब नहीं करना चाहता। नेगेटिव पॉइंट्स पे बात इसलिए नहीं करूंगा, सीरीज पूरी नहीं देखी है, कहानी की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कहानी अभी तक हमने पूरी देखी नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ कंक्लूजन निकलेगा इसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है। स्क्रीन प्ले की बात करना भी बेवकूफ़ी होगा। इस एपिसोड की पर्टिकुलर बात कर सकते हैं हम, लेकिन हाँ उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ बात करेंगे तो डेफिनेटली स्पॉयलर्स भी होंगे और आगे की कहानी हमें नहीं पता, तो हम किस तरह से कनेक्ट करने वाला है ये एपिसोड अगले एपिसोड को, उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ बात नहीं करने वाले हैं। ये सारी बातें हम सीरीज खत्म होने के बाद डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी तक जो इस एपिसोड को देखकर मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग और इमोशनल रहा है। सच में इमोशनल करने में कामयाब रहता है, हमें एक जिम्मेदारी वाली फीलिंग देता है कि अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं तो आप किस तरह से अपने सपनों को छोड़ने में मजबूर हो जाते हो और किस तरह से पूरी दुनिया आपकी तरफ आ रही होती है और आप कह रहे होते हो कि यार मैं क्या करूं, मैं किस तरह से इस काम को करूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने सपनों को चेस करना चाहता हूं लेकिन मेरे जिम्मेदारियां भी हैं। और वो सारी चीज़ें जिस तरह से नैरेट की गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रशांत की कहानी है ये, प्रशांत नाम के एक आदमी की जो कि एक एक्टर बनना चाहता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, जाके एपिसोड देखो, एंजॉय करो, मज़ा आएगा इस एपिसोड को देखने के बाद, स्पेशली अगर आप मिड एज में हो। मिड एज यानी 22 से 30 साल की एज के बीच में हो तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने में कामयाब रहेगा, इस बात की मैं मुझे पूरा यकीन है। बाकी अगर आप लोगों ने एपिसोड देख लिया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।